हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग में एक नया टॉपिक देखेंगे, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि लास्ट टॉपिक में हम पूरा कवर कर चुके हैं, आज एक नया टॉपिक और बिल्कुल बिल्कुल अलग चैप्टर, इसको चैप्टर भी कह सकते हैं न्यू, क्या है वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए वर्चुअलाइजेशन मीन्स हमारा क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वर्चुअल वर्जन ऑफ समथिंग, लाइक स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, रिसोर्स हो गया एंड एसेट्रा। ठीक है, ये भी कह सकते हैं जो कि हमारा सिस्टम होता है, जो भी हमारा पर्सनल, जो हमारा पीसी होता है, उसमें क्या होते हैं, चार बेसिक रिसोर्सेज होते हैं। हम ये कह सकते हैं कौन से चार बेसिक रिसोर्सेज होते हैं और होने भी चाहिए जब भी हमारा एक क्या है, हमारा एक पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है। ठीक है, कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए, देखिए पहला रिसोर्सेज होना चाहिए हमारा प्रोसेस होना चाहिए, रैम होना चाहिए, रोम होना चाहिए और नेटवर्क होना चाहिए। इन चार रिसोर्सेज, इन सारे रिसोर्सेज को मिला के ही हमारा क्या है, ये हमारे फीड होते हैं, किसमें, सर्विसेज में फीड होते हैं हमारे। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं ये चारों मिला के, जैसे कि हमको एक सर्वर बनाना है, तो हमें बनाने के लिए बहुत सारे किसकी जरूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है, रैम की जरूरत पड़ेगी, रोम की जरूरत पड़ेगी, नेटवर्क की, मतलब कि सर्विसेज के अंदर, इन सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होंगे, रैम होंगे, रोम होंगे और बहुत सारा नेटवर्क होगा जब भी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज कंप्लीट होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया और नेटवर्क हो गया, ये हमारे कहते हैं सर्विसेज के अंदर क्या होती है, फीड कर दी जाती है हमें, हम क्या करते हैं इसको फीड कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इन सबको फीड करने के बाद हमारा क्या क्या होता है कि जो भी हमारे सर्विसेज होती हैं या हमारे फिजिकल मशीन्स होती हैं, वो क्या होती हैं इसके अंदर इंस्टेंट हो जाती हैं। या तो देखो बहुत सारा, देखिए प्रोसेस अकेला नहीं होगा, बहुत सारे, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसर यहाँ पे लेंगे हम, बहुत ज़्यादा रैम लेंगे, रोम लेंगे और बहुत सारा, मतलब कि टू मच क्वान्टिटी, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में। अब ये भी कह सकते हैं कि टू मच नेटवर्क कैपेसिटी होल्ड कराता है हमारा, क्या सर्वर जो है हमारा बहुत ज़्यादा कैपेसिटी को होल्ड कराता है। ठीक है, अब होल्ड तो कराता है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं या हमारे कस्टमर होते हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड को क्या कराते हैं, हमारे सर्वर के लिए अप्रोच करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि एक सर्वर को ज़रूरत है कि हम जैसे कि अभी हमें क्या है, मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ, तो मुझे क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की मुझे अकेले तो ज़रूरत नहीं है ना, बहुत सारे लोगों को भी ज़रूरत होगी। अब 8, 10 या 100, 50 लोग एक साथ ही यूज़ करना चाहें इसकी सर्विसेज को, लेकिन उसकी सर्विसेज के पास तो ज़्यादा है ही नहीं, वो तो अकेला है ना, लेकिन हाँ उसके अंदर प्रोसेसर है, रैम काफ़ी सारा है, रोम भी और नेटवर्क भी उसके पास काफ़ी, लेकिन सर्विसेज सिर्फ ओनली वन है, तो वहाँ पर वो क्या है कि उसको बहुत टफ पड़ेगा और वो ईजी मतलब कर भी नहीं पाएगा काम को, तो उसके लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इसको कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाइपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। अब हाइपरवाइज़र क्या करता है हमारा, देखिए हाइपरवाइज़र क्या होता है, इट इज़ सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट एंड रन वर्चुअल मशीन, मतलब कि VM, ये कौन सा VM, वर्चुअल मशीन। ये क्या होता है, जैसे कि जो जो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सर्विसेज चाहिए होती हैं। अब क्या होता है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, क्लाउड कंप्यूटर के पास क्या होती है हमारी, एक ही सर्विस है। ठीक है, एक ही सर्विस है, उसके अंदर हमारे क्या थे, प्रोसेस थे, रैम थे, रोम थे। ठीक है, अब ये क्या है, एक ही फिजिकल रिसोर्स है ना, ये सब एक ही फिजिकल रिसोर्स है और इसको यूज़ करने वाले बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे, इसको बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ना, इसको मतलब कि क्या भी कह सकते हैं हम, रिसॉल्व करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें हाइपर वाइजर की जरूरत पड़ती है इसको रिजॉल्व करने के लिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम किसका है हमारा, विजुअलाइजेशन। अब इसको, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे एक सर्विसेज है तो यहाँ पे क्या काम करेगा, विजुअलाइजेशन, मतलब कि वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करके हम इस चीज़ को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब वो सॉल्व कैसे होगी, किसकी हेल्प से होगा हमारा, वो हाइपरवाइज़र की हेल्प से हमारा क्या होगा, वो सॉल्व होगा। ठीक है, अब वर्चुअलाइजेशन में हम क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि एक हाइपरवाइज़र करके, जैसे कि ये हमारा हाइपरवाइज़र है, करके क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर हो गया या प्रोग्राम हो गया, ये देते हैं इसको, किसको देते हैं, ये हाइपरवाइज़र किसको दे रहा है, ये सर्वर को दे रहा है। ठीक है, अब वो सर्वर को दे रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम, हाइपरवाइज़र कह रहे हैं। ठीक है, अब वो सर्वर को दे रहा है, तो सर्वर क्या है, अपने आप को उसको क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। सॉल्व करने के बाद हमारे क्या है, यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, अब वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे
एक एक करके मतलब बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स भी यहाँ पे ऐड हो रही हैं। फिर हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्वर जो है बहुत अच्छे से काम करेगा वहाँ पे, उसके पास बहुत सारे प्रोसेसर भी हैं, रैम भी है, रोम भी है और नेटवर्क भी है, और यहाँ पे हमारा हाइपरवाइजर भी आ गया, तो वहाँ पे क्या है बहुत अच्छे से वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए हाइपरवाइजर हम ये भी कह सकते हैं, हाइपरवाइजर जब हमारे सर्वर को फीड कराता है ना, जैसे कि यहाँ से वो कनेक्ट हो रहा है वो फीड कराते हैं, तो ये क्या होते हैं ये क्रिएट कराते हैं। जैसे ये हमने यहाँ से इसको कनेक्ट करा दिया, ये हमारा हाइपरवाइजर वर्क करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं हमारे ये क्रिएट कराने लगता है, किसको, वर्चुअलाइजेशन बनाने लगता है, अपने वर्चुअलाइजेशन बनाने लगता है। तो हमारा क्या है, हम कह सकते हैं इसको कि हाइपरवाइजर क्या है, फीड करा रहा है सर्वर को, क्या फीड करा रहा है, आउटपुट जनरेट तो हुआ है वहाँ पे, क्या है आउटपुट जनरेट हो रहा है, मतलब कि बहुत अच्छे फॉर्म में हमारा आउटपुट, मतलब कि जो हमारे क्लाइंट और सर्वर है उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आउटपुट जनरेट हुआ है किसके किस में, वर्चुअलाइजेशन मशीन में हमारे क्या होते हैं आउटपुट जनरेट हो रहे हैं, जितने हमारे क्लाइंट हैं उतने ही वर्चुअल मशीन वहाँ पे क्रिएट होंगे। ठीक है, जैसे कि 10 हमने यहाँ से वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे किया हमने, और सर्वर में जाके हमारे वर्चुअलाइजेशन मशीन क्या होती हैं क्रिएट होंगी, 10 सर्विसेज हैं, 10 हमारे 10 क्लाइंट हैं या 10 कस्टमर हैं, तो हमारी वर्चुअलाइजेशन मशीन्स कितनी होंगी, 10 ही वहाँ पे क्रिएट होंगी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, जितने हमारे क्लाइंट होंगे उतनी हमारी वर्चुअलाइजेशन मशीन्स वहाँ पे क्रिएट होंगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा होस्ट मशीन क्या होता है। ठीक है, होस्ट मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स में आपके हमेशा पूछा जाता है कि हाइपरवाइजर, होस्ट मशीन और गेस्ट मशीन आपके क्या होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा कि हमारे होस्ट मशीन क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए होस्ट मशीन क्या होते हैं हमारे, इट इज़ वर्चुअल मशीन ऑपरेटेड एंड होस्टेड फ्रॉम क्लाउड सर्वर। अब देखिए ये भी कह सकते हैं हम, जैसे कि जो हमारी मशीन के ऊपर जो, जैसे कि हमारी जो वर्चुअल मशीन थी इनके ऊपर हमने जो वर्चुअल मशीन को, जो हमारी मशीन थी इनके ऊपर हमने क्या किया, वर्चुअल मशीन को क्रिएट करा है ना, उन जो हमने क्रिएट की है वर्चुअल मशीन उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट मशीन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम होस्ट मशीन कहते हैं। अब देखिए ऐसे ही हमारा क्या होता है, हमारे गेस्ट मशीन क्या होती है। ठीक है, अब गेस्ट मीन्स कि जो हमारे घर गेस्ट आते हैं तो वही है ना, तो गेस्ट तो थोड़ी देर के लाते हैं फिर चले जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे हमारी गेस्ट मशीन काम करती है। जो हमारे वर्चुअल मशीन्स होते हैं ना, जो वर्चुअल मशीन्स में जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गेस्ट मशीन कहती हैं। अब देखिए 10 जैसे कि हमें 10 किसकी ज़रूरत है, 10 वर्चुअल 10 क्लाइंट को हमारे 10 वर्चुअल मशीन्स की ज़रूरत थी। ठीक है, अब जितने क्लाइंट होंगे उतनी वर्चुअल मशीन्स होंगी ना, उतने ही हमारे वर्चुअलाइजेशन कराएंगे ना, तो वहाँ पे क्या जितने भी वर्चुअलाइजेशन मशीन्स क्रिएट होंगी उतनी हमारे क्या होंगे, तो गेस्ट ही तो थोड़ी देर के लिए आएंगे, अपना सर्वर यूज़ करेंगे फिर चले जाएंगे एक दो घंटे के लिए, वो पे करेंगे हमें, वो मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग को हम क्या पे करेंगे और हम उससे यूज़ करा रहे हैं, तो वो क्या है हमारा कि वहाँ पे वर्चुअल मशीन से, अब वो एक तरह से गेस्ट ही है ना, कि हमने 10 दिन के लिए यूज़ किया क्लाउड कंप्यूटिंग फिर हमने छोड़ दिया, तो गेस्ट ही तो कुछ टाइम के लिए यूज़ किया कुछ टाइम के लिए नहीं यूज़ किया, तो ये क्या है हमारा गेस्ट मशीन हो गया। ठीक है, जो हमारी वर्चुअल मशीन्स होती हैं, जो वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई हुई होती हैं वही हमारी क्या होती हैं, गेस्ट मशीन होती हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा क्लाउड सर्वर है ये हमारा क्या है, हाइपरवाइजर से जो भी क्रिएट हुआ होता है ना वर्चुअलाइजेशन, वही हमारी क्या होती है, वर्चुअलाइजेशंस होती हैं। ओके,